हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वीक फोर्सेस के बारे में देखा था। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नो कोवेलेंट बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, एक्सप्लेन। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, और आगे हम देखेंगे कि 100% अगर कोई भी बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है तो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। क्या रीजन है उसका? तो इसका रीजन है ड्यू टू इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इवन इन 100% कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन है, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें लगता है शायद ये मॉलिक्यूल 100% कोवेलेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस के कारण, रैंडम मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रॉन डिसबैलेंस हो जाएं, और एक एटम पर पार्शियल पॉजिटिव और एक पर पार्शियल नेगेटिव, और अगर विद इन द मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो इसमें पोलरिटी आ जाएगी, और पोलरिटी आने के कारण इसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आएगा। तो जैसे इसमें आयनिक कैरेक्टर 2% है, 98% कोवेलेंट कैरेक्टर है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन HE मॉलिक्यूल, जबकि दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें या एटॉमिक वेट देखें, दोनों का वेट सेम है, इसके बाद भी हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 20 केल्विन है, जबकि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट 2.2 केल्विन है। इसका रीजन यह है कि हाइड्रोजन में दो एटम होने के कारण चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा चार्ज डेवलप्ड होता है, ज़्यादा चार्ज डेवलप होने के कारण जो इंटरेक्शन है, जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हाइड्रोजन में ज़्यादा है, जबकि कंपेरिजन में हीलियम में मोनोएटॉमिक होने के कारण पार्शियल और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कम जनरेट होते हैं, तो जो इंटरेक्शंस है वो बहुत वीक होता है, और वीक इंटरेक्शन होने के कारण हाइड्रोजन में कंपेरेटिवली स्ट्रांग था, इसलिए हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, अगेन इनका अगर मॉलिकुलर वेट देखें तो सभी का मॉलिकुलर वेट C5H12 है, और फिर भी इनका वंडर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा, जहां पे लार्ज सरफेस एरिया होगा वहां वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, और अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे अगर नॉर्मल पेंटेन देखें तो नॉर्मल पेंटेन के दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आइसोपेंटेन में अगर देखें तो दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर नियोपेंटेन में देखें तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा होगी, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा नॉर्मल पेंटेन का, उसके बाद आइसोपेंटेन का, और नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। हमें एक पैटर्न देखने को मिला कि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा ब्रांच होगा दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ ICl एंड Br2। ICl और Br2 दोनों का मॉलिकुलर मास सेम है, उसके बाद भी ICl का बॉइलिंग पॉइंट Br2 से ज़्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि ICl मॉलिक्यूल पोलर है, और पोलर होने के कारण यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, जबकि Br2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर के कारण यहाँ पर जो पोलरिटी क्रिएट होगी वो इंड्यूस डायपोल के कारण होगी। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, इंड्यूस डायपोल कंपेरेटिवली वीकर है, इसलिए ICl का बॉइलिंग पॉइंट Br2 के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सॉलिबिलिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इन वाटर। हीलियम नियॉन ऑरेंज क्रिप्टॉन जिनॉन ये इनर्ट गैसेस हैं वाटर, ऑल दो बहुत लेस सॉल्यूबल हैं, फिर भी अगर पूछा गया रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी किसकी है, तो जहाँ पे लार्ज मॉलिकुलर वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वाटर का मॉलिक्यूल पोलर होगा, और ये सभी इनर्ट गैसेस, इनमें इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट होगा, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए हेलियम नियॉन आयरन क्रिप्टॉन जिनॉन में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी जिनॉन की, और सबसे कम होगी हीलियम की। नेक्स्ट, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ I3 नेगेटिव Br3 नेगेटिव Cl3 नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जैसे आयोडीन का अगर देखें तो मॉलिकुलर वेट भी ज़्यादा है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, और जब मॉलिकुलर वेट और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जब आयन डायपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मॉलिकुलर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और इसलिए
I3 नेगेटिव की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर Br3 नेगेटिव, फिर Cl3 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिबिलिटी से रिलेटेड है। एक्सप्लेन सॉलिबिलिटी ऑर्डर ऑफ NME3 पॉजिटिव टेट्रामिथाइल अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में अगर देखा जाए तो अमोनियम आयन की सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, इसका रीज़न देखते हैं। अमोनियम आयन में चार हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं और ये हाइड्रोजन एटम वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि NME4 पॉजिटिव में देखा जाए तो 4 मिथाइल ग्रुप हैं और ये ऑर्गेनिक ग्रुप है और ऑर्गेनिक ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करेंगे और इसलिए NH4 पॉजिटिव की सॉलिबिलिटी NME3 पॉजिटिव NME4 पॉजिटिव के कंपेरिजन में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन सॉलिबिलिटी ऑफ NaCl एंड NH4Cl। NaCl और सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड में वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी NaCl से ज़्यादा होगी। इसका रीज़न ये है, सोडियम वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, Cl नेगेटिव पार्ट है जो कि वाटर के हाइड्रोजन पार्ट से अट्रैक्ट होकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब अगर हम अमोनियम आयन में देखें तो अमोनियम में आयन डायपोल इंट्रैक्शन तो है ही सोडियम कैटायनिक पार्ट में, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है जिसके कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी और यही रीजन है कि NH4 पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों में कॉमन है, NH4 पॉजिटिव में और Na पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो NH4 पॉजिटिव में आयन डायपोल इंट्रैक्शन के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगी और यही रीजन है कि NH4Cl NaCl के कंपेरिजन में वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ ट्राई मिथाइल बोरॉन एंड BF3। अगर BF3 में देखा जाए और BME में देखा जाए तो ट्राई मिथाइल बोरेन की सॉलिबिलिटी ज़्यादा है BF3 से। इसका रीज़न ये है, अगर ट्राई मिथाइल बोरेन में देखा जाए सेंट्रल एटम बोरॉन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.0 है, जबकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम में देखा जाए तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5। जबकि अगर BF3 में देखा जाए तो सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पूरे BF3 मॉलिक्यूल की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब दो BF3 नेगेटिव अगर आयन हैं तो वो दो BF3 मॉलिक्यूल हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, दूर दूर होंगे। ज़्यादा BF3 नेगेटिव में इन BF3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज बीइंग मोर डेवलप्ड ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड हैंड बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज। जब मॉलिक्यूल में रिपल्सन होगा तो हम उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जबकि अगर BCS3 में देखें तो कंपेरिजन में ज़्यादा इंट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरिजन में ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ NME3 पॉजिटिव एंड NF3 पॉजिटिव इन सेम बिहेवियर इज ऑब्जर्व। NME3 में देखा जाए तो नाइट्रोजन है, कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। NF3 में देखा जाए तो नाइट्रोजन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, इसलिए NME3 का ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, CCl4 और SiCl4 में सिमिलर बिहेवियर, CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि अगर SiCl4 लिया जाए तो यहाँ पे सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.8 3.0 2.5 3.0 तो यहाँ पे डिफरेंस कम है, तो डिफरेंस कम होने के कारण पोलरिटी कम क्रिएट होगी, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है पोलरिटी ज़्यादा क्रिएट होगी तो पूरे सरफेस पर पूरे मॉलिक्यूल के सरफेस पे हायर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सन होगा और अगर रिपल्सन है तो उनको सेपरेट करना ईजी है, उनको बॉयल करना आसान है और यही रीज़न है कि CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट SiCl4 के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच।